नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। एक मिनट में जानिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में गवाही देने वाले शख्स के साथ हुई है मारपीट। रमेश जिस मोहल्ले में रहता है वहां चार युवकों के साथ किसी बात को लेकर हुई थी बहस। रमेश को मारपीट में पहुंची है गंभीर चोट, जिसका मुकदमा IPC धारा 308 के अंतर्गत कोर्ट में चल रहा है। रमेश के अनुसार जिन युवकों ने मारपीट की थी उनमें से दो युवक मामले को रफा दफा करने दुकान पर मिलने आए थे। रमेश ने केस वापस लेने से मना कर दिया। संवाददाता जावेद सईद खान के साथ बात करते हुए रमेश ने कहा कि वो लोग धमकाने लगे। रमेश के अनुसार डंडों से मारपीट की गई। क्या नाम है आपका? रमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा लगता है? क्या मामला है सर? 308 का पहले था, मुकदमा मेरे ऊपर चल रहा है। किन के ऊपर चल रहा है? महेंद्र, राम कुमार, शिवम और विनोद। ये लोग कौन है आपके? मोहल्ले के हैं। फिर क्या हुआ? पहले उन्होंने हमें मारा था, उसका 308 का मुकदमा चल रहा है। तो अब ये गवाही देने से हमारे इनके ऊपर दो बार पेनल्टी भी पड़ चुकी है कोर्ट में। अब इन्होंने मना किया कि गवाही मत दो, फैसला कर लो, हम फैसले पर तुझे जाने। तो उन्होंने कहा तुझे वहाँ मतलब 7 तारीख को जाने लाके नहीं रखेंगे। फिर आदाज ने ऐसे ऐसे हिसाब से मिले, क्या कह दिए? सर ने आदेश दिया है वहाँ के पुलिस।